Good morning, all the students. I am Dr. Himanshu Mathur, Associate Professor, Department of Management Studies, Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University. Today, I am taking a class on risk management. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वापस से मैं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक सीधा सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी एक पर्सन की सैलरी 20,000 रुपये है, तो वो 20,000 रुपये अपने घर में लेके आता है, उसमें से 12,000 रुपये उसका सारा घर का खर्च निकल जाता है, पीछे बचे 8,000 रुपये। वो ले जाके 8,000 रुपये अपनी अलमीरा में रख देता है। अब मैं उसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार तू एक साल बाद इस अलमारी को खोल लेगा तो तुझे कितने रुपए मिलेंगे। वो कहेगा 8,000 रुपये ही मिलेंगे, ना तो 8 के 7 होंगे ना ही 8 के 9 होंगे, 8 के कितने रहेंगे, 8 ही रहेंगे। अब मैं उसको कहता हूँ यार तू अलमारी में नहीं रख के उसको अगर बैंक में जमा कराता और एक साल बाद तू अगर उसे लेने जाता तो बैंक तुझे कितने रुपये देती। तो उसने मुझे कहा कि 8,400 रुपये देती। तो मैंने उसको कहा 400 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिए बैंक ने। उसने कहा 400 रुपये बैंक ने मुझे क्या दिया है, इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपने जो पैसा सेव किया है उस सेव हुए पैसे को मार्केट में, बैंक में या कहीं और जगह पे ले जाके आप इन्वेस्ट करो ताकि आपको उसके ऊपर फाइनेंशियल गेन बेनिफिट मिल सके, मॉनेटरी बेनिफिट मिल सके। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या आया, यूटिलाइजेशन ऑफ सेविंग फंड इन ऑर्डर टू गेन मॉनेटरी बेनिफिट, वो क्या कहलाता है आपका, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन एक कॉइन के साथ किया गया है। जिस तरीके से कॉइन की दो साइड होती है, हेड और टेल, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की भी दो साइड होती है, एक तो होता है रिटर्न और एक होता है रिस्क। रिटर्न का मतलब होता है कि जो भी पैसा, फंड, मनी आपने इन्वेस्ट किया है, अगर उसके ऊपर आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है तब तो वो क्या कहलाता है, रिटर्न। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने बैंक में ले जाके 8,000 रुपये जमा कराए, एक साल बाद आपको 8,400 रुपये मिले, तो आपने तो कितने जमा कराए थे, 8,000, मिले कितने, 8,400। तो 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले, वो आपका क्या है, फाइनेंशियल गेन, तो वो तो क्या कहलाता है, रिटर्न। रिस्क इसका जस्ट ऑपोजिट है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें से हमारा कुछ पैसा डूब जाता है या पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है, वो हमारे लिए क्या कहलाती है, रिस्क। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो शेयर मार्केट का। अभी COVID-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के कारण कंपनीज काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है तो रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू नहीं है तो पैसा नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा तो कंपनीज के शेयर्स की प्राइस क्या हो रही है, डाउन आ रही है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कंपनी में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और शेयर मार्केट 10% से डाउन चल रहा है तो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 90,000 रुपये। तो मुझे कितने का लॉस हुआ, 10,000 रुपये का। हमेशा एक चीज याद रखना, रिस्क वहीं पे आती है, वहीं पे एसोसिएट होती है जहां पे इन्वेस्टमेंट के साथ में दो आउटकम आते हैं, या तो पॉजिटिव आउटकम या नेगेटिव आउटकम, या तो रिटर्न मिलेगा या रिस्क होगी, या तो प्रॉफिट में जाओगे या लॉस में जाओगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास में 1,00,000 रुपये थे, मुझे लगा कि मैं इसको बैंक में जाके FD करूँ, ठीक है, बट मेरे को लगा बैंक वाले तो केवल 7% का इंटरेस्ट दे रहे हैं FD पे, तो बहुत ही कम है। मेरे पास में दूसरा ऑप्शन आया कि क्यों ना मैं इसको टाटा कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी अच्छा देगी। मैंने पूरा कंपनी का एनालिसिस किया, मुझे लगा 10% का डिविडेंड मिल जाएगा, तो मैंने 1,00,000 रुपये टाटा कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। अचानक से COVID-19 आ गया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, कंपनी की वर्किंग बंद हो गई, कंपनी के पास में फंड आना बंद हो गया, रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी ने मुझे 10 की जगह 8% डिविडेंड दिया, तो ये मेरे लिए क्या होगी, एक तरीके की रिस्क, के जो मैंने रिटर्न एक्सपेक्टेड किया था, एस्टिमेट किया था, उससे मुझे कम पैसा मिला, तो वो मेरे लिए क्या है, रिस्क। रिस्क इज द वेरिएबिलिटी बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न। अगर आपने जो रिटर्न एस्टिमेट किया है और उससे कम रिटर्न आपको मिल रहा है, तो जितना कम रिटर्न मिल रहा है वो आपकी क्या है, रिस्क। रिस्क इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न।
कंपनी कभी भी पॉजिटिव साइड जा सकती है, कभी भी नेगेटिव साइड आ सकती है। पॉजिटिव साइड का मतलब होता है कंपनी प्रॉफिट में है, अच्छा अर्निंग कर रही है, तो आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर वही नेगेटिव साइड में आ जाए हम कि कंपनी की सेल नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है, आपकी इनकम नहीं हो रही है, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर आपको कुछ भी फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा है, वो आपके लिए क्या कहलाती है? रिस्क। तो ये था रिस्क का कंसेप्ट। वी स्टार्ट विद द टर्म रिटर्न। जैसा कि अभी पिछली स्लाइड में अपन देखा था, रिटर्न का मतलब होता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी आपको फाइनेंशियल गेन मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है वो क्या कहलाता है? आपका रिटर्न। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप बैंक में जाके 8,000 रुपये की एफडी कराते हो और उसके बदले में आपको 8,400 रुपये मिलते हैं, तो आपको जो यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट हुआ है 400 रुपये का, वो आपका क्या कहलाता है? रिटर्न। अब बेसिकली रिटर्न जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कैपिटल गेन एंड रेगुलर इनकम। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने एक मकान परचेज किया फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपये में और उसको आपने रेंट पे दिया, पूरे 1 साल वो रेंट पे रहा और उस 1 साल का रेंट आया आपके 20,000 रुपये। जैसे ही 1 साल खत्म हुआ तो आपने उस मकान को 1,50,000 रुपये में सेल कर दिया। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि आपने टोटल कितने रुपए का रिटर्न अर्न किया, तो आपका जवाब क्या होगा कि 1,00,000 रुपये मैंने लगाए, 1,50,000 रुपये में मैंने बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 50,000 का, पहली चीज। प्लस पूरे साल भर मैंने उसको रेंट पे देके रखा और पूरे साल का रेंट आया मेरे 20,000 रुपये, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 50 + 20, टोटल 70,000। तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, कैपिटल गेन प्लस रेगुलर इनकम। तो इस एग्जांपल में रेगुलर इनकम तो हो गई जो आपको ईयरली बेस पे मिल रही है फॉर एग्जाम्पल रेंट। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस, जितने में आपने उस एसेट्स को बेचा माइनस जितने में आपने उसको परचेस किया, उसका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? आपका कैपिटल गेन। एक टर्म आती है हमारे रिटर्न में होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है कि उस एसेट्स को आपने कितने टाइम पीरियड तक खुद के पास में रखा है, फॉर एग्जांपल 1 साल 6 महीने 2 साल। तो होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड जितना हमने उस एसेट्स को हमारे खुद के पास में होल्ड करके रखा है, वो क्या कहलाता है? आपका होल्डिंग पीरियड। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर विच कॉज द रिस्क। ऐसे क्या क्या फैक्टर है, ऐसे क्या क्या कारण है जिसके कारण हमारे इन्वेस्टमेंट में रिस्क आती है। फर्स्ट है रॉन्ग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं उसके बाद में हमें उसका एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सी सिक्योरिटी हमें ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, किस सिक्योरिटी में ज़्यादा रिस्क है। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आपने प्रॉपर सही तरीके से एनालिसिस नहीं किया है, एनालिसिस में कुछ गलती हुई है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे पैसे डूबने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट है रॉन्ग टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो अभी टाइम चल रहा है COVID-19 का, तो यहाँ पे लॉकडाउन है। अब यहाँ पे कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, क्यों? क्योंकि उसको पता है आने वाले टाइम में भी कंपनी को रिकवर होने के लिए 6 महीने मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स भी परचेज करूँगा तो मुझे उसके ऊपर ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो अभी टाइमिंग क्या है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करने का जहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो, सेफ हो। मैं बैंक में FD करा सकता हूँ, पोस्ट ऑफिस में जाके RD करा सकता हूँ, FD करा सकता हूँ। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप टाइमिंग देखो कि अभी टाइमिंग चल क्या रहा है, प्राइवेट कंपनीज के फेवर में है या नहीं, क्या मुझे सेफ सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या टाइमिंग है कि मैं रिस्क ले सकता हूं।
रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट किसी एक सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करके दो या दो से ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आपके पास में 1,00,000 रुपये हैं, उस 1,00,000 रुपये में से 30,000 तो आप इक्विटी में डालते हो, 40,000 डिबेंचर में डालते हो, बाकी के जो 30,000 बच गए उसको आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 70,000 रुपये जो है वो सेफ सिक्योरिटी में रखे, क्यों, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहे, सेफ रहे। अब अगर आप यही रेशियो अगर चेंज कर दो, 80,000 रुपये आप इक्विटी में डाल दो, 10,000 डिबेंचर में डाल दो और 10,000 रुपये आप गोल्ड में डाल दो, तो यहाँ पर आपकी रिस्क क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो रिस्की सिक्योरिटी होती है जिनकी प्राइस कभी भी अप जा सकती है और कभी भी डाउन जा सकती है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है किसमें कितना परसेंट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। होल्डिंग पीरियड, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि हम हमारी सिक्योरिटी को, इन्वेस्टमेंट को कितने पीरियड तक हमारे पास में रखते हैं। बेसिकली ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी को जितना लॉन्ग टाइम तक आप अपने पास में रखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। नेचर ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ कंपनी का मतलब है कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उस कंपनी की आप नेचर देखो, वो कंपनी किस प्रोडक्ट में डील कर रही है, उसकी इनकम स्टेबल है या नहीं। अगर उसकी इनकम स्टेबल है तो आप मान के चलो वो आपको प्रॉपर डिविडेंड देगी, टाइम टू टाइम डिविडेंड आपको मिल जाएगा। पर अगर उसकी इनकम ही अनस्टेबल है, उसका बिजनेस ही सीजनल है, तो वहाँ पे आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, कैपिटल गेन के भी चांसेस कम रहेंगे। तो आपको सबसे पहले ये भी देखना चाहिए कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस प्रोडक्ट में डील करती है, वो उसकी इनकम स्टेबल है नहीं है, रिसेशन में उसका क्या पोर्टफोलियो रहता है, रिसेशन में उसने कितना डिविडेंड दिया है, अगर बूम आया है तो उसने कितना डिविडेंड दिया है। मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी कंपनी की सारी हिस्ट्री भी निकालनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, कि रिस्क और रिटर्न में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर यहां देखा जाए तो रिटर्न और रिस्क दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगी वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होगा, और जहाँ रिटर्न कम होगा वहाँ पे रिस्क भी कम होगी। देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न, इफ रिस्क इंक्रीज एंड रिटर्न विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर रिस्क बढ़ेगी तो रिटर्न भी बढ़ेगा, रिस्क कम होगी तो रिटर्न भी कम होगा। एक सीधा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप बैंक में FD कराने जाते हो तो बैंक में रिस्क कितनी है आपके पैसा डूबने की, बहुत ही कम है, क्योंकि बैंक डूब गया तो हमारी इकोनॉमी चलेगी कैसे। तो बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर रिस्क कम है, तो आप देखोगे वहाँ पर आपको रिटर्न भी कम मिलता है। सेविंग अकाउंट पर 4% का इंटरेस्ट मिलता है, FD पे 7% 8% का रिटर्न मिलता है, और यही पैसा अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूं तो वहां पे मुझे रिटर्न ज्यादा मिलता है। क्यों, क्योंकि शेयर्स में क्या है, रिस्क ज्यादा है, शेयर्स की प्राइस कभी भी अप जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। अप चली गई तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, और डाउन चली गई तो मुझे लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क और रिटर्न में हमेशा आप देखना डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अगर रिस्क बढ़ेगी तो रिटर्न भी बढ़ेगी, रिस्क कम होगी तो रिटर्न भी कम होगा। जैसा कि ग्राफ शो कर रहा है, एक्स एक्सिस पे आप रिस्क देख रहे हो और वाई पे रिटर्न, तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। वी आर स्टार्टिंग विद द टाइप ऑफ रिस्क। हमने अभी तक ये देखा रिस्क होती है, रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो भी रिटर्न आपने एस्टिमेट किया और जो एक्चुअल में आपको रिटर्न मिला उसके बीच में अगर कुछ चेंजेस आ रहा है, नेगेटिव चेंजेस, वो आपके लिए क्या कहलाती है, रिस्क। अब यहाँ पे जो रिस्क है वो दो कंपोनेंट से मिलके बनती है, रिस्क दो तरीके की होती है, एक तो होती है सिस्टमेटिक और एक होती है अनसिस्टमेटिक। फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टमेटिक रिस्क, तो इसके तीन पॉइंट है। फर्स्ट, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इट अफेक्ट द एंटायर मार्केट नॉट सिंगल कंपनी, द रिस्क अराइज ड्यू टू मार्केट चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस एंड सम अदर इवेंट। सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क है जिसके ऊपर कंपनी का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, कंपनी चाहे भी उस रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकती। ये रिस्क पूरे मार्केट को अफेक्ट करती है, केवल एक सिंगल कंपनी को अफेक्ट नहीं करती है। इस तरीके की रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क में मार्केट में कुछ चेंजेस आ गए वो इंक्लूड होता है, पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बना दिए जिसका पूरे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, वो क्या कहलाती है आपकी, सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का फर्स्ट टाइप है मार्केट रिस्क।
मार्केट रिस्क का मतलब होता है, मार्केट रिस्क रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन द ओवरऑल मार्केट कंडीशन, फॉर एग्जांपल रिसेशन, गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशन। जब आपने जो रिटर्न एस्टिमेट किया है और जो एक्चुअल में रिटर्न मिला है उसके बीच में कुछ नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस किस लिए आ रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसके कारण कंपनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और कंपनी आपको उतना एस्टिमेटेड डिविडेंड नहीं दे पाई। फॉर एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट लेके चलते अपन कोविड का, तो कोविड-19 जो है इसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट पर आया, न कि एक सिंगल कंपनी पे। सेकंड, कोविड के कारण गवर्नमेंट को कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़े, लॉकडाउन फॉलो करना पड़ा। लॉकडाउन फॉलो करा तो लॉकडाउन में कंपनी ने का काम बंद हो गया, कंपनी का काम बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया, तो अब कंपनी का रेवेन्यू नहीं आ रहा। जब रेवेन्यू नहीं आ रहा तो कंपनी कॉस्ट को कैसे कवर करेगी? जब कॉस्ट कवर होगी नहीं तो कंपनी को प्रॉफिट होगा नहीं, प्रॉफिट होगा नहीं तो सीधी सी बात है कंपनी आपको डिविडेंड या तो देगी नहीं, और देगी तो जितना आपने एस्टिमेट किया है उससे आपको कम देगी। एक मैं लेता हूँ वॉर का एग्जाम्पल, कि अगर इंडिया ये रूल्स लगा दे, ऑप्शन लगा, ये रूल रेगुलेशन बना दे कि आप चाइना के साथ में किसी भी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते, तो जो भी बिजनेसमैन चाइना के साथ एसोसिएट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, उनके लिए ये एक तरीके के लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके की रिस्क हो जाएगी कि उनका बिजनेस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, अब बंद होने के कगार पे आ जाएगा। तो ये क्या कहलाती है अपनी मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इट इज़ द रिस्क डैट एन इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। दिस रिस्क अफेक्ट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड मोर डायरेक्टली देन द स्टॉक। इंटरेस्ट रेट रिस्क वो रिस्क है जिसके कारण आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, और इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली डिबेंचर और बॉन्ड को ही अफेक्ट करती है, ना कि इक्विटी शेयर्स को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्ट किसके ऊपर दिया जाता है, डिबेंचर और बॉन्ड के ऊपर, जबकि शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड। सेकेंड पॉइंट, सिक्योरिटी हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद द इंटरेस्ट रेट। सिक्योरिटी की प्राइस और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो सिक्योरिटी की प्राइस कम होगी। सिक्योरिटी की प्राइस अगर बढ़ानी है तो इंटरेस्ट रेट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 100 रुपए, अब आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, आप टाटा कंपनी में गए, वहाँ पता लगाया कि अगर इस टाटा कंपनी का आप डिबेंचर खरीदते हो तो आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। आपने कहा चलो ठीक है मैं दूसरा ऑप्शन भी देखता हूँ, आप मार्केट में गए, दूसरे ऑप्शन आपने देखे तो वहाँ पे भी आपको 10% का ही इंटरेस्ट मिल रहा था, तो आपने उस समय डिसाइड कर लिया कि चलो टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, गुडविल है कंपनी की, पैसे लॉस होने के चांसेस भी कम है, तो आपको ईयरली कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपये का। अब कुछ टाइम निकला, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% से बढ़ के कितनी हो गई, 12.5, कितनी हो गई, 12.5। अब यहाँ पे दो चीज़ याद रखना, पहली चीज़ डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। सेकेंड चीज़, फॉर दिस एग्जांपल ओनली, कंपनी की ये लिमिटेशन है कि कंपनी केवल 10 रुपये का ही इंटरेस्ट दे सकती है, 10 से ज़्यादा का इंटरेस्ट वो नहीं दे सकती। अब आप ये बताओ, कोई भी पर्सन क्या टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा? उसको बाहर कितना परसेंट मिल रहा है, 12.5%, कंपनी में कितना मिल रहा है, 10%। तो जो भी एक समझदार आदमी होगा वो कंपनी के बाहर दूसरी जगह ही इन्वेस्ट करेगा। तो अब कंपनी ऐसा क्या काम करे ताकि लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, और उसके दो ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाए, कि एक तो इंटरेस्ट रेट भी 12.5% हो जाए और इंटरेस्ट का अमाउंट भी 10 रुपये से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पहले इंटरेस्ट रेट थी 10 रुपये, अब वो बढ़ गई कितनी हो गई, 12.5, मतलब इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो सिक्योरिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए, डिक्लाइन होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी अपनी सिक्योरिटी की प्राइस कितनी कम करे ताकि इंटरेस्ट रेट 12.5% हो और अमाउंट इंटरेस्ट का 10 रुपये ही हो। तो इसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ती है कि अभी हम अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, 12.5 का, तो 10 रुपये का इंटरेस्ट अर्न करने के लिए हमें सिक्योरिटी की प्राइस कितनी रखनी पड़ेगी, तो ये आएगा आपके 80 रुपीज़। तो 80 का आप 12.5% निकालोगे तो कितना आएगा, 10 रुपये। ये होती है आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क।
नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रिस्क। फर्स्ट अपन दो पॉइंट देखते हैं इसके। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, इन्फ्लेशन रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ पर्सन। तो इन्फ्लेशन वो कंडीशन है जहाँ पे गुड्स सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है और कस्टमर की परचेजिंग पावर कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप 10 रुपये में 1 kg शुगर लाते थे, अब 12 रुपये में 1 kg शुगर आती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, शुगर की प्राइस 10 से 12% हो गई, 12 हो गई, तो इसका मतलब 2 रुपये यहाँ पे बढ़ गए। सेकेंड, पहले आप 10 रुपये में 1 किलो शक्कर लाते थे, अब आप 10 रुपये में 1 किलो नहीं लाके 850 ग्राम या 900 ग्राम अप्रोक्सीमेटली इतनी ही लाओगे। तो आपकी जो परचेजिंग क्वांटिटी है, परचेजिंग पावर है, वो क्या हो गई? कम। तो इन्फ्लेशन वो कंडीशन है जहाँ पे गुड्स की प्राइस बढ़ती है और परचेजिंग पावर कम होती है। थर्ड पॉइंट, इफ इन्फ्लेशन रेट इज हायर देन द इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेट, इट विल बी लॉस। बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी, तो मैं क्या करूँ, पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखूँ कि जितने परसेंट से महंगाई बढ़ेगी उतना परसेंट मुझे रिटर्न मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तो उस महंगाई को मैं उस रिटर्न से क्या कर लूंगा, कवर कर लूंगा। अपन ये सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर सोचा हुआ कभी भी नहीं होता है। मैंने सोचा आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन रेट 10% से बढ़ेगी, तो मैंने भी उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट किया कि मुझे 10% रिटर्न मिल जाए। पर अचानक से क्या हुआ, इन्फ्लेशन रेट 10 के कारण 10 की जगह 12% बढ़ गई। तो अब यहाँ पे मुझे कितने का लॉस हो गया, 2% का लॉस हो गया। मैं महंगाई के साथ कितना कॉप अप कर सकता हूँ, केवल 10% तक। 2% मेरे लिए क्या है, एक्स्ट्रा लॉस, एडिशनल एक्सपेंसेस। ये मेरे लिए क्या एक तरीके की रिस्क है, कंट्री रिस्क। This is also termed political risk because it is the risk of investing fund in another country whereby a major changes in the political or economic environment could occur. This could devalue your investment and reduce its overall return. Basically, country risk क्या होती है, जब दो country के बीच में कुछ war हो जाए या कुछ negative चीज happen हो जाए जिसके कारण दोनों country आपस में कुछ भी economic transaction करना बंद कर दे, इस कारण से money की value वैल्यू भी डाउन होती ही होती है और साथ में आपके बिजनेस पे भी इंपैक्ट आता है। अगर आपका बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है और वो दूसरी कंट्री पे ही डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल इंडिया का बिजनेस अगर चाइना पे डिपेंड करता है, और अगर इंडियन गवर्नमेंट चाइना और इंडिया के बीच में एक रूल्स रेगुलेशन लिया है कि आप इंडिया चाइना से कुछ भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस में लोग लगे हुए थे उनके बिजनेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बंद हो जाएंगे। उनके लिए वो एक तरीके की क्या है, रिस्क है।